नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भरत पंचाल पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत चर्चित जो ट्रेंड चल रहा है अभी और कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया है कि अगर आपने किसी की लड़की है या किसी की सिस्टर है, उसने अपना राइट वेव अगर नोटरी डॉक्यूमेंट से किया हुआ है और उसके अंदर पूरल रेवेन्यू एक्ट का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है अभी के जो मालिक है उनके लिए। तो आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले करीब 15-20 साल पहले जो भी खेडूत खातेदार होता था उसके नाम 7 बार में होता था। अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके जो भी लीगल शायर थे, उसके लीगल वारिसदार है, उनका नाम चढ़ाने के लिए सभी वारिसदारों का एफिडेविट करके वो अपना नाम दाखिल करवाता था। तो तब जो जेंट्स से लड़के हैं उनका भी नाम आता था और साथ में जितनी लड़कियां हैं उसका भी नाम आ सकता था। तो तब बहुत सारे खेडूत ऐसे थे कि जिन्होंने जो अपनी सिस्टर का नाम साथ में चढ़ गया था खातेदार में, तो वो नाम हटाने के लिए एक नोटरी एफिडेविट करना पड़ता था। राइट रिलीज का एक एफिडेविट आता था, वो करके वो नाम किसके फेवर में अपना राइट्स वेव कर रहे वो एफिडेविट में लिखा रहता था। उसी डॉक्यूमेंट की वजह से रेवेन्यू रिकॉर्ड में पूरा एक म्यूटेशन दाखिल होता था। वो म्यूटेशन में बिल्कुल रेवेन्यू कोड के हिसाब से 108 के प्रोसीजर से पूरा फॉलो किया जाता था उसको। उसमें 135D की नोटिस निकाली जाती थी बकायदा, वो नोटिस भी बजनी चाहिए। उसके बाद 45 डेज के बाद तलाटी, जो भी उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता था तो ऐसी म्यूटेशन बहुत सारी सेंक्शन कर दी गई है। तो अब कुछ 10 दिन पहले कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा एक केस के बारे में लिखा था कि कुछ भावनगर डिस्ट्रिक्ट का कोई एक केस है जिसमें गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन चल रही है। उस केस के जरिए उस केस में हाईकोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है कि अगर किसी ने कोई एफिडेविट से अपना राइट्स वेव किया है, अगर वो दोबारा क्लेम करता है वो जगह को वो कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हर कोई एफिडेविट करके जो अपना हक कमी किया है तो हक कमी के बाद अभी खड़ा होकर फिर से अपना हक लेने के लिए प्रोसीजर चालू कर सकता है। तो जो न्यूज़पेपर में लिखा था और एक्चुअल में जो गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट का कॉपी में बकायदा स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, तो उसके अंदर ऐसा लिखा है कि भाई उस केस के अंदर जो एफिडेविट किया था उसके जरिए जो म्यूटेशन सैंक्शन हुई थी उसके अंदर रेवेन्यू कोड की कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुई थी। मीन्स 135D की नोटिस किसी को दी नहीं थी, मीन्स बजी ही नहीं थी, भेजी ही नहीं थी। तो ऐसे केसेस में, और टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि वो म्यूटेशन 2010 की थी, तो और उसको अभी चैलेंज कर रहे 2018-19 या 21 में, तो जो 8 से 10 साल का बीच में जो पीरियड है उतना डिले क्यों हुआ? तो सबसे पहले आपको डिले का ग्राउंड मेंशन करना होगा अंदर, और वो आपको अथॉरिटी से सैंक्शन करवाना होगा। बाद में जो भी आपकी अपील है वो आगे चलेगी। तो वो केस के अंदर SDM है और कलेक्टर है, दोनों ने ही डिले के हिसाब से उनकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया था, डिस्पोज कर दिया गया था। तो इसीलिए वो पार्टी को गुजरात हाईकोर्ट में जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने भी फिर ऑर्डर में अपने यही कहा है कि अगर आप डिले को ध्यान में मत लीजिए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आपको डिले के बिना आपको सुननी पड़ेगी फिर से। ऐसा ही ऑर्डर किया हुआ है, हाईकोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया नहीं है वो ऑर्डर में कि आप उसके नाम सैंक्शन करो। मीन्स वो जो RTS थी वो RTS अभी फिर से SDM के वहाँ चलेगी। SDM अभी वो डिले का चैप्टर भूल के जो एक्चुअल परिस्थिति है क्या हुई है, तो मेरे हिसाब से वो केस के अंदर अभी आगे जिसने भी ये पिटीशन फाइल की थी उसको 100% बेनिफिट होगा। तो दूसरी बात एक कर लेते हैं कि जो भी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एफिडेविट करके अपनी सिस्टर से या अपनी लड़की है जो भी है जिसका नाम हक राइट्स वेव किया हुआ है, और अगर बकायदा
रेवेन्यू कोड का प्रोसीजर फॉलो हुआ है तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो भी केसेस चैलेंज होंगे तो उसको हम आराम से अटेंड कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें रेवेन्यू कोड का प्रोसीजर नहीं किया हुआ है, जैसे कि 135D की नोटिस उसने नहीं बजाई है, तो फिर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो म्यूटेशन चैलेंज होगा। वो म्यूटेशन के हिसाब से अगर 135 का नोटिस इश्यू नहीं हुआ है या वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो वो एंट्री में ये जो वारसदार आपके जो क्लेम करेंगे उसके नाम बकायदा चढ़ सकते हैं। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो भी पिटीशन है, जो भी न्यूज़पेपर में लिखा था, उसकी वजह से मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे केसेस खड़े होंगे अभी SDM के पास, क्योंकि अभी जो मामलतदार थे उसके पास से ऑब्जेक्शन सुनने का पावर छीन लिया गया है। अभी जो भी ऑब्जेक्शन से सारे SDM के पास जाएंगे और SDM को सैंक्शन करना है कि अगर ये ऑब्जेक्शन है तो ये स्टैंड ले सकता है या नहीं ले सकता है, तो वहीं से SDM को डिसाइड करना है। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर के बारे में बहुत सारी अभी एप्लीकेशन नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि कुछ किसी ने कुछ भी सुना होगा तो उसने अगर राइट्स वेव कर दिया होगा तो फिर से राइट्स लेने के लिए चैलेंज करेगा। लेकिन अगर आपने उसका रेवेन्यू कोड प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है उस टाइम, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उसमें ऐसे ही अभी आ नहीं सकता है। दूसरी बात, अगर आपको किसी का राइट्स वेव कराना है तो बाकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर ब्लड रिलेशन में आता है तो 300 रुपये के स्टैम्प पेपर में उसकी 450 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है और बाकी 5-6 हज़ार रुपया आप एडवोकेट का खर्चा गिन सकते हैं। तो उसी के अंदर आपका हक रिलीज का दस्तावेज एक हो सकता है और दस्तावेज करा के आप चाहे उसके बाद म्यूटेशन सैंक्शन करवाए या कभी भी सैंक्शन करवा सकते थे। अगर ये दस्तावेज करने के बाद भी कोई डिस्प्यूट रेज होता है तो वो आपको दस्तावेज पूरा डिफेंड करेगा और सामने वाले को कुछ ग्राउंड रहेगा नहीं बचने के लिए, लड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद है, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।